पटवाई क्षेत्र के गांव मतवाली गांव से तीन किशोर मवेशी चराने पास में ही गंगा में नहाने गए और अचानक डूब गए। इनके डूबने पर चीख पुकार मच गई, जिस पर खेतों में काम कर रहे किसानों ने एक बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जबकि दो किशोर डूब गए। डूबे किशोरों की गोताखोरों ने तलाश की लेकिन दोनों किशोरों का पता नहीं चल पाया। सूचना पाकर प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। शुक्रवार को मतवाली निवासी रामोतार का 16 वर्षीय पुत्र मनोज, संजीव का पुत्र ओम प्रकाश व इसी गांव मित्रपाल का पुत्र गौरव 12 वर्षीय पुत्र अपने मवेशियों को लेकर जंगल गए थे। जंगल में मवेशियों को चराते समय तीनों किशोर रामगंगा नदी में नहाने चले गए। नदी में पानी तेज बहाव होने के कारण खेतों में काम कर रहे किसानों ने किशोरों को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया था, लेकिन बाद में दोबारा से यही किशोर पुनः नदी में नहाने चले गए। नदी में नहाते नहाते मनोज और ओम प्रकाश गहरे पानी में चले गए, साथ में पीछे गौरव भी जाने लगा, जिस पर तीनों किशोर डूबने लगे। इसी दौरान बच्चों ने चीख पुकार मचा दी। चीख पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे किसानों ने दौड़कर किशोरों को बचाने का प्रयास किया। इन तीनों किशोरों में से गौरव को डूबने से बचा लिया गया, लेकिन मनोज और ओम प्रकाश डूब चुके थे। ग्रामीणों ने किशोरों के डूबने की सूचना हल्का लेखपाल नसीर को दी। सूचना पाकर तहसीलदार नरेंद्र कुमार, पटवाई थाना अध्यक्ष विजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने गोताखोरों को बुलाकर किशोरों की तलाश करवाई, लेकिन किशोरों का देर रात तक कोई भी पता नहीं चल पाया था। तहसीलदार नरेंद्र कुमार ने बताया कि डूबे हुए किशोरों की तलाश जारी है, नदी का बहाव तेज है। दोनों डूबे किशोरों के शव कई किलोमीटर दूर ठकुरिया घाट पर पानी में तैरते मिले। दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है।